देखा जाजू, पीटीआई ने केपीके में हेल्थ सेक्टर में कितने काम किए हैं। एक आपकी पार्टी है जो सिर्फ मेट्रो बना रही है। अच्छा एक बात बता, केपी के हॉस्पिटल्स में कितने बर्न यूनिट्स हैं? एक भी नहीं। और पंजाब में सात हैं, चेक कर ले। पिछले 5 सालों में पंजाब में 50 नए हॉस्पिटल बने हैं और 100 से ज्यादा रेनोवेट हुए हैं, और वहां शायद पांच भी नहीं। चलो और बताता हूँ, इसके अलावा कई शहरों में बनने वाले कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल्स, फैसलाबाद में बनने वाला एशिया का सबसे बड़ा चिल्ड्रन हॉस्पिटल, और पीकेएलआई किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट का फ्री हॉस्पिटल जो रिकॉर्ड टाइम में बना है, उसे भी चेक कर ले। पंजाब में जदीद ड्रग टेस्टिंग लैब्स बनी है ताकि जाली दवाइयों की रोकथाम हो सके, और पाकिस्तान की सबसे जदीद फॉरेंसिक लैब बनी है। तेरे वहां से डीएनए टेस्ट होने भी यहीं आते हैं। 30 लाख लोग हेल्थ कार्ड के जरिए फ्री इलाज करवा रहे हैं। हाँ चेक करेगा। तो ये सब पंजाब में ही हो रहा है ना, बाकी मुल्क में कौन करेगा? देख 18वीं तरमीम के बाद तरक्याती फंड सूबे को ही मिलता है, और काम वो ही करेगा जिसकी सूबे में हुकूमत होगी। जरा पढ़ भी लिया कर, फेसबुक पोस्ट से आगे जहां और भी हैं। चल अपनी बारी चल, पर तेरी तो गेम ही खत्म हो गई है बाबू। मैं नहीं खेल रहा, आप बातों में लगा के हमेशा बेईमानी करते हो। मैं जा रहा हूँ। बात तो सुन रो तू। नहीं गेम लगाते हैं, आजा, पॉलिटिक्स पे कोई डिस्कशन नहीं होगी, आजा। नहीं, मैं नहीं खेल रहा। आजा यार।